हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स एंड बेबी लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और देखा जाए तो एक मॉम के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात रहती है जब उनके बच्चे को कोल्ड हो जाता है, यानी कभी कभी उनको खांसी बहुत ज़्यादा आने लगती है या फिर उनको जो है उनकी रनी नोज़ हो जाती है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को आती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये मुझसे पूछा था कि मैम प्लीज़ बताइए कि कोई जो है घरेलू उपाय जो हम यूज़ कर सकें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैंने जो अपने बेबी का एक्सपीरियंस शेयर मतलब करना चाहती हूँ मैं आप लोग से, तो मैंने सोचा चलो वही चीज़ बताते हैं आपको भी जो बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा आया मेरी बेबी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक दो या तीन चीज़ें ही बताऊँगी जो बहुत, मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी होता है कि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा बच्चे को कोल्ड भी नहीं है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा पानी में खेल लेते हैं, उनका होता है कि जैसे अभी विंटर सीज़न चलेगा तब बच्चे पानी में खेल लेते हैं तब उनको ठंड लग जाती है, बच्चे बाहर खेलते हैं थोड़ा बहुत भी इधर उधर तो उनको कोल्ड लग जाता है। तो मतलब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही, मतलब आए दिन उनको ये प्रॉब्लम होती ही रहती है और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको हमेशा ये प्रॉब्लम होती रहती है। उनको अगर रोज़ नहला दो तो उनको ये प्रॉब्लम होने लगती है। और तो एक चीज़ बता दें, कुछ भी बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अपने बच्चे का जो आप उसे जो डाइट दे रहे हैं, जो उनको खाना दे रहे हैं बच्चों को, उसमें आप जो है हरी वेजिटेबल्स ज़रूर ऐड करें। और क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं अगर बच्चे को आप नहला भी रहे, बहुत सारे लोग ऐसे जो है मेरे पहचान में भी हैं कि बोल रहे थे कि बच्चे को रोज़ नहलाओ तो भी उनको जो है जुखाम हो जाती है, तो हम उसे रोज़ नहीं नहलाते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, नहलाने से कभी बच्चे को जो है जुखाम नहीं हो सकता है। बस अगर आप विंटर सीजन में नहला रहे हो तो थोड़ा सा बच्चे को थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कूल वाटर ना हो, थोड़ा सा आप हॉट वाटर उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। बाकी जो है जब आप समर सीज़न में यूज़ कर रहे हो तो आप जो है डायरेक्ट पानी ले सकते हैं, थोड़ी देर उसको धूप में छोड़ दीजिए उस पानी को, और उसके बाद आप उसमें विद इन 1 आवर्स के बाद आप उसमें बच्चे को नहला सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तो थी बातें जो है बच्चों से रिलेटेड की। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना चाहिए। जैसे बच्चों को होता है जैसे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो और रह रह के खांसी आ रही हो, और इसमें ऐसा क्या होता है ना कि मैं आपको बताऊँगी जो है, जैसे आपका बेबी, बहुत सारे लोग जो होते हैं बेबी बहुत छोटा रहता है तो इसे यूज़ करते हैं, बहुत छोटे बेबी के लिए यूज़ नहीं करना है। जैसे आपका बेबी थोड़ा बड़ा है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बड़ा मीन्स कि 1 ईयर प्लस है तो आप इसे यूज़ करते हैं। जैसे बेबी रब आता है, ये मेरे पास छोटा वाला है, मेरे पास बड़ा वाला भी है, और इसको मैं अपने हमेशा जो है बेड के पास में ही रखती हूँ क्योंकि क्या पता इसकी कब ज़रूरत पड़ जाए, रात में या दिन में, ठीक है। तो बाकी बड़े वाला मैं हमेशा जो है रखे रहती हूँ अलग से कि कभी ये ना मिले तो वो यूज़ कर लें। तो जैसे बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है तो आप बच्चे को थोड़ा सा, इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, बच्चे को आप लगाएंगे तो उसको जो है उसका बुरा असर पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो है आप देख सकते हैं इसमें जो जो चीज़ें ऐड हैं वो बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है। तो आप इसे इजीली उसके बच्चों के चेस्ट के पास में थोड़ा सा रब कर दीजिए, बहुत थोड़ा, और थोड़ा नोज़ के पास थोड़ा सा ही, बहुत थोड़ा सा लगा के ही रब करिएगा क्योंकि इसमें हल्की सी, आपको पता है जैसे हम लोग का भी जो ऐसे विक्स वगैरह आते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, आपको पता है जैसे हम लोग लगाते हैं तो वहाँ पे जलन होने लगती है। तो आपको चेस्ट पे यूज़ करना है, नेक में यूज़ करना है, बट नोज़ के पास बहुत थोड़ा सा यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग की ऐसी प्रॉब्लम आती है कि मैम पूरा नोज़ जाम हो जाता है, सांस लेने में भी उसे प्रॉब्लम होने लगती है, नोज़ में इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं ऐसा। तो मैं आपको वही चीज़ बताने जा रही हूँ डॉक्टर ने बताया, और इसके भी कोई हार्मफुल रिजल्ट नहीं आएंगे, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। बेसिकली ये भी जो है सॉल्ट और वाटर से मिल के बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका नाम मैं आपको दिखा दूँ, नेसोग्लियर, आपको दिख रहा है क्लियर? बाकी मैं इसे जो है साइड में अभी ऐड कर दूंगी ताकि आप लोगों को कोई इधर उधर की चीज़ आप लोग ना ले लें। तो बाकी ये नेसोग्लियर बहुत अच्छा होता है, ट्रस्ट मी गाइस, ये मेरे पास एक नहीं कम से कम 3-4 रहते हैं हमेशा, एक मेरे पर्स में रहता है, जैसे कहीं ट्रैवल में जाते हैं तो इसे लेके जाती हूँ। एक जैसे बताया था मैं अपने बेड के पास में हमेशा थोड़ी बहुत मेडिसिन रखती हूँ जो बच्चों से रिलेटेड है, और एक मैं हमेशा जो है जिसमें हम अपनी सारी मेडिसिन वगैरह रखते हैं उस बॉक्स में रखते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमें
बहुत जल्दी जो है किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है और वो हमें नहीं मिलती है, हाँ, क्योंकि हमें पता होता है कि वो बाद में मिल जाएगी, बस उस टाइम नहीं मिलती है। तो ये नेसोक्लियर जो आप देख सकते हैं, इसमें वाटर जैसा होता है और ये बूंद बूंद की ड्रॉप्स में गिरता है। आपको क्या करना है, बेबी को लेकर के थोड़ा सा जो है बेबी का जो हेड है थोड़ा सा डाउन करना है, देन उसके बाद 2 से 3 बूंद एक नोज़ में, और उसके बाद थोड़ा सा उसको प्रेस करना है हल्का सा, यानी अगर लेफ्ट में डालना है तो राइट को प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आपको क्या करना है, सेकेंड वाले नोज़ में डालना है, ठीक है। उसके बाद उसको प्रेस कर देना है, ठीक है। यानी जो है आप इसको सिर्फ डालिएगा, थोड़ी देर में देखिएगा अगर बच्चों की जो नोज़ है वो फंसी हुई है जो है, तो उससे क्या होगा कि उसे थोड़ी बहुत छींकें आएंगी, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, छींकें आने भी नॉर्मल है, छींकें आएंगी तो जो भी उसका नोज़ वगैरह पूरा क्लीन हो जाएगा, और अगर नॉर्मल सा कुछ रहेगा तो ऐसे ही निकल जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। बस आपको क्या करना है, जब आप उसको छींकें आ रही हो उसका नोज़ अगर बाहर आता है देन आपको जो है टॉवल से क्लीन कर देना है। तो ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छा है, मतलब हर एक मॉम्स को इसे ज़रूर रखना चाहिए। अब मैं बताती हूँ कि बहुत छोटे बच्चे हैं, यानी जो 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ, क्योंकि 6 मंथ तक बच्चे को कुछ भी ऐसी चीज़ें हम प्रेफर नहीं करते हैं कहने के लिए, मतलब मैंने भी नहीं किया, मैं खुद भी नहीं आप लोग को प्रेफर करूँगी। तो बहुत छोटे बच्चों के लिए आपको क्या करना है कि अगर, या ध्यान से सुनिएगा, अगर विंटर सीजन चल रहा है तो आपको क्या करना है कि आपके पास जो हींग होता है, हींग हर घर में होता है पता ही है आपको, जो हींग होता है, अगर आपको पता है कि आपके बच्चे की बहुत ज़्यादा रनी नोज़ हो रही है, याद रखिएगा जो नोज़ है वो जाम नहीं है, रनी नोज़ है, नोज़ बह रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि हींग को अगर आप फीड कराते हैं तो उस दूध में थोड़ा सा लेकर के, अगर आप फीड नहीं कराते हैं देन आप बाहर का कोई दूध लेकर के उसमें थोड़ा सा, बहुत, क्योंकि आपको पता है हींग बहुत गर्म होता है, तो बस हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा पिंच पर लेकर के उस दूध में उसको अच्छे से स्पून, 1 स्पून में मतलब ले लीजिए आप मिल्क, उसमें थोड़ा सा उसको डाल करके उसे मिला लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, स्पून मतलब आधा स्पून से थोड़ा कम ही रहे मिल्क, और उसके बाद छोटा सा पिंच पर लेके हींग उसमें ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर देना, और उसके बाद बेबी का जो नेल होता है, ठीक है, हैंड का, हैंड के नेल के पास ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ मतलब पूरी जगह लगा देना है, और उस यही सेम प्रोसेस हमें लेग में भी करना है, ठीक है। जैसे आपने हैंड में लगाया देन वैसे ही आपको लेग में लगाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे मैंने पर्सनली, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और ये जो बता रही हूँ मैं आपको, ये उपाय ये मेरी माँ की, माँ ने उनको बताया था, बट मेरी मम्मी ने मुझे बताया, तो ट्रस्ट मी गाइस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जब उसे नॉर्मल रनिंग नोज़ होने लगते हैं, नाक से पानी जैसा सा गिरने लगता है, तो मैं यही रेमेडी अपनाती हूँ, और बहुत सही, मतलब एक से रात को लगाती थी और मॉर्निंग तक वो बहुत अच्छा फील करता था, ठीक है। इसके साथ ही आप जो है, जैसे किसी बच्चे को बहुत बार बार जुखाम होती है, बहुत बार बार देखने को मिलता है, तो आपको क्या करना है, लहसुन जानते हैं आप, गार्लिक, उसको थोड़ा सा लेना है, और थोड़ा सा अजवाइन लेना है, थोड़ा सा सेंधा नमक लेना है, ठीक है। इन तीनों को थोड़ा सा, लहसुन भून लेना है आपको, अजवाइन थोड़ा सा भून लेना है हल्का सा, बहुत थोड़ा सा, और उसके बाद उसी में सेंधा नमक मिला के एक पोटली बना के बच्चे के सिरहाने के पास हमेशा रखना है आपको विंटर सीजन में, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे उनको जो बार बार जो है जुखाम होती है वो बार बार जुखाम आप नहीं होगी। इसके साथ ही बच्चों को बहुत सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे उन्हें आप हमेशा विंटर सीजन में सॉक्स पहना के रखें, और रात में भी आप जो है, आप उन्हें रात में जब सोते हैं और तब भी सॉक्स पहनाइए। और बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं जो समर सीज़न में एसी बहुत ज़्यादा जो है 22-21 पे जो है रखती हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है बच्चे के लिए। डॉक्टर हमेशा कहता है कि एक बच्चे की जो मतलब एक बच्चे को कितने एसी उसमें रखना चाहिए, तो आप, मैं आपको बता दूँ, 25-26 या बहुत ज़्यादा जो है गर्मी है तो 24 पे रख सकते हैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम उसे सह सकते हैं बट वो बच्चा नहीं सह सकता है, और अपनी बात को भी वो आपसे नहीं कह सकेगा, ठीक है। तो हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हमें बच्चे के अकॉर्डिंग चलनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ट्रस्ट मी गाइस, आप देख लीजिएगा ये सारी रेमेडी आप फॉलो करिएगा, आपको बहुत जो है फ़ायदा होगा अगर आपके बेबी को बार बार सर्दी जुकाम होता है, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे
अगली बार आपसे इसी तरह किसी इंटरेस्टेड टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।